तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ आप सबका कमेंट का जवाब लेकर। तो आप सब भी जो है भर भर के कमेंट कीजिए, शायद अगले संडे आपका भी नाम आ सके और आपका क्वेश्चन का भी आंसर दे सकूं। तो मुझे जो जो इम्पोर्टेंट लगेगा कि नहीं इसका आंसर देना जरूरी है, तो मैं संडे का संडे जो है कमेंट को पिक करके और आंसर दिया करूंगा। तो जब तक देखिए इसमें जो है हमने बहुत सारा आंसर पिक किया है, तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन पूछा गया है और मैं इसका जवाब दिया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो कमेंट है वो पूछ रहे हैं गोविंद राज भोज जी कि सर मेरा चेस्ट जो है 39 है और जो पेट है वो 42 है, तो मैं अपना शॉर्ट का जो शोल्डर है वो कितना रखूं। तो मेरे हिसाब से जो है आप जितना मेजरमेंट लिए हैं शोल्डर को, शोल्डर का मेजरमेंट लेने का फॉर्मूला हम बता दें, ऐसे मेजरमेंट वीडियो भी देख सकते हैं हमारा। तो यहाँ से ये जो मेरा, देखिए ये जो मेरा शोल्डर है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक मेजरमेंट करेंगे, अगर इससे नीचे शोल्डर आपकी ढूल रही है तो बिल्कुल बेकार लगता है। अधिकतर देखते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जिनका पेट या ज्यादा बॉडी हो जाता है और शोल्डर कम ही रह जाता है, उनका अधिकतर यहाँ तक शोल्डर जो है लटक जाता है, तो वो रॉन्ग कटिंग है बिल्कुल। अगर आपका जितना शोल्डर है उतना ही शोल्डर सेम रखिए, अगर हिसाब फिर भी नहीं बैठ रहा है तो आप जो है 1 इंच बढ़ा सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका तिरछी कट हो रही है तो चेस्ट जो है हिसाब, मेरे हिसाब से जो फॉर्मूला हमने बताया है चेस्ट का, उसका निशान जो चौथाई भाग लगाते हैं उससे 1.5 इंच ऊपर की तरफ लगा दे, और जो ये राउंड होती है कट इसको 1 इंच इधर की तरफ लगा दे मार्किंग में और कट कर ले। ऐसे हमारा कटिंग वीडियो देख लेंगे तो कोई भी मेजरमेंट का शॉर्ट कटिंग कर सकते हैं, तो जाकर मेरा कटिंग वीडियो देख सकते हो शॉर्ट का। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि सर मेरा चेस्ट जो है 39 है और पेट जो है 42 है, तो मैं किस हिसाब से कटिंग करूं, या तो पेट के हिसाब से कटिंग करूं या चेस्ट के हिसाब से कटिंग करूं। तो आप दो किस्म का कट कर सकते हैं। अगर आपका चेस्ट से 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा है पेट, अगर आप फिटिंग पहनना चाहते हैं तो चेस्ट के हिसाब से कट कर सकते हैं, चेस्ट पे हल्का लूज और बेस्ट में हल्का फिट आएगा तो उस इंसान का अच्छा लगता है। और जिसका बिल्कुल फ्री चाहिए तो आप 2.5 से 3 इंच लूजिंग दे सकते हो, और जिसका काफी में 3-4 इंच का अंतर है पेट का, तो आप जो है पेट के हिसाब से कट कर सकते हो, बट उसमें लूजिंग जो है 2-2 इंच या 1.5 इंच दोगे तो ज्यादा यहाँ पे झोल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन आगे हम पिक करते हैं। मैं उम्मीद है कि गोविंद राज भोजी आप समझ गए होंगे और आपके पूछे गया क्वेश्चन के द्वारा बहुत सारे हमारा सारा व्यूअर्स भी समझ गए होंगे, तो थैंक यू क्वेश्चन करने के लिए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पिक करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं कि सर हेवी साइज का शॉर्ट कटिंग बताइए। तो आप पहले ही समझ गए होंगे कि हेवी साइज का जो है शॉर्ट कटिंग किस तरीके से करें, हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। और ऐसे भी आप मेरा शॉर्ट का कटिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस तरीके से जो नॉर्मल है वो फिटिंग शॉर्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल नीचे की तरफ वीडियो स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे की तरफ मेरा कटिंग वीडियो मिल जाएगा, उसको जाके आप देख सकते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं कि हेवी साइज का जो है शॉर्ट कटिंग किस तरीके से कटिंग करें। तो जाइए फटाफट और मेरे वीडियो को देखिए। वो तीसरा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो पूछे हैं सैयद कमरान जी कि सर आप जो शॉर्ट का स्लिप्स कट किए हो वो स्ट्रेट किए हो, बिल्कुल सीधा किए हो, और तिरछा करके जो है कट करना हो तो कैसे कट करेंगे। तो हम बता दें आपको कि अगर आपका कपड़ा ज्यादा हो तो आप स्ट्रेट ही कट करें, इससे क्या होता है कि वो उरेब नहीं होता है, अच्छी तरीके से बैठ जाता है, लमड़ता नहीं है, और इस तरीके से जब आप रहोगे तो जो भी क्रीच है या देखने में जो है कहीं से स्क्रेच ज्यादा नहीं होता है, तनाव ज्यादा नहीं होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लगता है, अच्छा लगता है। तो कपड़ा कम होने के कारण तिरछा कट कर लेते हैं, आप स्ट्रेट कट करोगे तो आपको दिखने में भी अच्छा लगेगा, या लाइनिंग हो, जिस शॉर्ट में लाइनिंग हो उसमें तो स्ट्रेट ही कट करना चाहिए। तो कपड़ा कम है तो आप तिरछा कट करके, अगर कपड़ा कम है तो आप तिरछा कटिंग कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पिक करते हैं। तो दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछे हैं करण पोटेल जी,
ये पूछ रहे हैं करण पटेल जी कि सर आप मुझे पैंट स्टिचिंग बताओ। सबसे पहले जो है मेरा ऑल वीडियो जाकर चेक कीजिए और जो चीज़ नहीं आती है वहाँ से सीखिए। तो आप वीडियो चेक नहीं करते हो और कमेंट कर देते हो कि सर मैं स्पेशल जो है पैंट स्टिचिंग बता चुका हूँ अभी एक घंटे के अंदर। तो आप लोग जो है जितने लोग नहीं जानते हैं पैंट स्टिचिंग तो मेरे वीडियो में जाइए और वहाँ से सीखिए। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो पूछा गया है इनके माध्यम से जिनका नाम है गणेश साहू जी। जय हिंद सर। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इंडियन से हो, मैं भी इंडियन से हूँ और बहुत सारा जो प्यार है सबसे ज़्यादा प्यार मुझे इंडिया से ही आ रहा है क्योंकि हिंदी लैंग्वेज है और आप सबको अच्छी तरीके समझ में आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि सर एक दिन में एक इंसान जो है पैंट कटिंग करके स्टिचिंग करे तो कितना बना सकता है, ये रही ना क्वेश्चन पूछने लायक। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं पैंट को कटिंग करके और स्टिचिंग करूंगा वो भी अच्छी तरीके से तो 3 ही बना सकता हूं, इससे अधिक के मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है। अगर आप सब बना लेते हो अच्छी तरीके से 4-5-6 तो बहुत अच्छी की बात है। कितने लोग तो ऐसे हमको मिलते हैं कि सर हम तो 2 ही बना पाते हैं, तो हमें गर्व है कि हम अच्छी तरीके से 3 कटिंग करके बना लेते हैं। तो आप लोग कितने लोग बना सकते हो कटिंग करके 3-3 पैंट, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और ज़्यादा भी बना सकते हो तो कमेंट कीजिए। मैंने बहुत कोशिश किया बट नहीं हो पाता है दोस्त। तो अगला जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं महफूज आलम। तो वो पूछ रहे हैं कि सर शॉर्ट में कितना कपड़ा लगेगा, कैसे मालूम चले कि छोटा बड़ा और बूढ़े या लॉन्ग का जो है किस तरीके से शर्ट का कपड़ा हम बताएं कि कितना लगेगा। तो मैं बता दूं सबसे पहले तो आप जो जनरल इंसान है हम लोग के जैसा तो 2.25 मीटर लगता है, ये 2.25 मीटर 16 गिरे के कपड़ों में लगता है। अगर 24 गिरे का है तो 1.60 में आराम से हो जाएगा क्योंकि फ्रंट और बैक आराम से आ जाती है, जो कपड़ा बचता है उसमें स्लिप्स हो जाएगा और स्लिप्स के साइड में जो कपड़ा बचता है उसमें खर्चा आराम से हो जाएगा। इंच टेप में देखिए कि जिधर से सेंटीमीटर है वहां से यहाँ रख देंगे और लंबाई ले लेंगे और लंबाई जितना होगा जैसे कि आपका 75 सेंटीमीटर आ रहा है तो उसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो ये देखिए, ये आप देख लीजिए, ये इसे बोलते हैं सेंटीमीटर। तो इसको इस तरीके से यहाँ रख ले और जितना लंबाई चाहिए उतना ले ले, उसके बाद जो है आप इधर से 6 या 7 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, उसके बाद जो है 3 गुना बता दीजिए कि आपका कपड़ा जो है इतना लगेगा। तो इससे भी समझ में नहीं आ रही है तो सबसे इजी फॉर्मूला जान लीजिए, ये देखिए ये मेरा सेंटीमीटर है तो यहाँ से लंबाई की तरफ रखेंगे और जितना लंबाई होगा उतना लंबाई को ले लेंगे। ये देखिए लंबाई मेरा जितना आ रहा है लंबाई हमने ले लिया। इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से अब यहाँ स्लीव्स का ले लेंगे, नहीं तो स्लीव्स का जो लेंगे तो ये देखिए कितना आया, इतना आया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जितना लंबाई आया है तो इतना ही कपड़ा 16 गिरे में हो तो इतना ही कपड़ा मुझे बैक में भी चाहिए, ये तो फ्रंट के लिए हमने ले लिया तो बैक में भी इतना ही चाहिए। तो जितना लंबाई लेंगे उसको डबल कर लेंगे, उसके बाद में स्लीव्स का नापी ले लेंगे, उसके बाद जो है 15-20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे और बता देंगे कि आपका कितना कपड़ा लगेगा। ये फॉर्मूला छोटा बड़ा लॉन्ग किसी पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा नॉलेजेबल वीडियो था तो प्लीज एक लाइक तो बनता है और आप भी कमेंट कीजिए भर भर के, शायद आपका पूछे गया क्वेश्चन जो है अगला संडे मिल जाए जवाब। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग फटाफट जो है शेयर कर दीजिए, पूरा फैला दीजिए कि जितना भी हमने जानकारी दिया है हर इंसान को पता चल जाए। तो चलिए आप लोग हमेशा खुश रहा कीजिए और फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर। जब तक लिए बाय बाय।